इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन? दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों कहीं ना कहीं आपने क्या ऐसा सोचा है कि आज आपका अगर अच्छा वक्त चल रहा है तो कहीं आप निश्चिंत तो नहीं हो गए हैं कि आने वाला समय भी अच्छा होगा? दोस्तों कभी आपने अपने आप से पूछा है कि क्या आपने अपने आने वाले कल की क्या तैयारी की है? क्योंकि अच्छा वक्त हमेशा नहीं रहता है, ये जिंदगी में उठाव चढ़ाव चलता रहता है, आज है तो कल नहीं है। दोस्तों इसलिए इसको समझाने के लिए छोटी सी स्टोरी से समझाता हूँ। एक ये कहानी एक कौवे की है। वो एक बार भूखा प्यासा एक नदी के ऊपर उड़ता हुआ उसने देखा कि नदी के किनारे एक उसको पानी में बहते हुए एक लाश मिली और उस लाश के ऊपर जाके बैठ गया। तो वहाँ उस लाश का वो मांस खाता और नदी का पानी पीता। उसको अपनी जिंदगी को उसके दिन बहुत अच्छे लगने लगे, उसको अपनी जिंदगी बहुत अच्छी लगने लगी क्योंकि उसको पेट भर खाना और उसको स्वच्छ निर्मल पानी उसको मिलने लगा। तो इस चक्कर में वो कहीं और जाता नहीं था और वो उसी लाश के ऊपर अपना सोचता था कि भाई अब मैं इसी लाश के ऊपर रहना चालू कर दूं क्योंकि जब भी भूख लगेगी मैं मांस खा लूंगा और पानी नदी का पानी पी लूंगा। पर दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिंदगी में अच्छा वक्त हमेशा नहीं रहता है, वैसे ही उसका भी बुरा वक्त आने वाला था। तो दोस्तों हुआ क्या कि वो नदी में बहता हुआ वो महासागर में जाके मिल गया और महासागर जो लहरों में लपेटा हुआ वो उसको ऐसी जगह पे जाके पटका कि जहाँ पर उसको ना खाना मिल रहा था, ना कहीं पे उसको शिकार मिल रहा था, ना ही उसको अच्छा पानी मिल रहा था। तो दोस्तों और वो क्योंकि बहुत दिनों तक सिर्फ उसी लाश के ऊपर पड़े हुए और ये सोच रहा कि अब तो जीवन बहुत अच्छा था, तो उसने उड़ना भी छोड़ दिया था, कहीं पे जाता नहीं, कुछ भी ऐसा खाने की तलाश में वो अपने आप को प्यास नहीं करता था जैसे कि वो पहले करता था। तो ये करने के कारण उसके पंख, जब उसने सोचा कि अब चले खाने की तलाश में कहीं जाया जाए, तो उसके पंख ने जवाब दे दिया और वो थक हार के गिर के महासागर में गिर गया और उससे गिरने से उसकी मौत हो गई। तो इस स्टोरी से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी में अच्छा वक्त सभी के सबका आता है। समझदार आदमी वो है जो अच्छे वक्त में भी अपना आने वाले कल की चिंता करके और आने वाले कल को बना लेता है। दोस्तों बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा है, जैसा आप सोच रहे हो वैसा चल रहा है, तो अपना थोड़ा सा समय आने वाले कल को बनाने के लिए भी लगाइए। उसके लिए थोड़ी मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, पर आप देखेंगे कि आपके आने वाले कल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हो सकता है कि समय का बदलाव आपको थोड़ा सा मायूस करे। दोस्तों मैं आपको इस स्टोरी से बिल्कुल भी मायूस नहीं करना चाहता हूँ, बट मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपने हमें अपना हर दिन बनाने के साथ अपने आने वाले अगले दिन को भी बनाना है, देखना जरूर है, क्योंकि अगर आप आने वाला कल नहीं देखेंगे तो हो सकता है कि वो कहीं आपको लाके ऐसी जगह पटक दे जिस तरह से कौवे को ऐसी जगह पटकाता जा रहा है, उसको खाना मिला और ना उसको पानी। उसमें रहने की आदत सी लोगों की थी, उसने तो यही मान लिया था कि मेरे को तो जीवन निकल जाएगा, पर जबकि ऐसा होता नहीं है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा हो, और अगर आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।